सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको डबल ब्रश कोट कटिंग का बचा हुआ भाग बताऊंगा। आप एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। आप दूसरे पार्ट को देखते नहीं हो, इसलिए आपकी समझ में आती नहीं है और फिर आपको दिक्कत होती है। दोस्तों, अगर आपको किसी मेजरमेंट में, चाहे कोट हो, पैंट हो, सफारी हो, शर्ट हो, शेरवानी हो, लॉन्ग कोट हो, वास्कट हो, कोई भी आइटम किसी भी मेजरमेंट में अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई अल्ट्रेशन आती है, तो आप अपना फ़ोन नंबर यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए और अपनी समस्या भी साथ में लिखिए। फिर मैं आपको समय निकाल कर किसी भी समय आपको फ़ोन करूँगा, आपकी समस्या का हल करूँगा। अगर फ़ोन पे समस्या हल नहीं होती है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। ये हमारी वॉलेट पॉकेट हो गई। अब ये देख लीजिए, ये कितना है, इस निशान से ये कितना है, इस निशान से ये 5 से 1 सूत कम है। तो यहाँ से ये 5 से 1 सूत कम ये रखेंगे और 1 इंच ये पॉकेट का मुंह इधर आएगा बाहर की तरफ। ये 1 इंच ये पॉकेट का मुंह आ गया आपका। अब इस प्लेट को हम ये निशान देंगे, इस प्लेट से यहाँ से हम 2.5 इंच तक, ये 2.5 इंच पे यहाँ से हमने ये प्लेट डालनी है। इसी निशान पे हमारा एक बटन भी लगेगा, मैं बटन के भी निशान लगा देता हूँ। ये हमारा एक बटन का निशान है, ये 2.5 है, हम इसका डबल लेंगे 3.5। यहाँ से हमने 3.5 पे ये एक बटन लगाना है। ये हमारा ये एक बटन हो गया और अब इन दोनों के बीच में एक बटन हमने यहाँ लगाना है। ये आप सेंटर कर लीजिए, ये 7 है, 3.5, ये 3.5, ये इसका सेंटर हो गया। ये आपके बटन हो गए। अब फ्लैप 2 इंच का हमने ये फ्लैप लगाना है नीचे की जेब का। ये हमारी जेब होगी और ये हमारा फ्लैप हो गया। अब ये हमारी बैक है, ये हमारा हाले का निशान है। इस हाले के निशान पे इस बैग को यहाँ रखिए और ये डाउन का निशान, ये हमने 2.5 इंच डाउन करना है। ये निशान लगा देता हूँ। ये हमारा डाउन का निशान आ गया, क्योंकि छाती से ज़्यादा पेट है इसलिए कंधे इसके डाउन होंगे। अब यहाँ से इस हाले से इस बैग को इस निशान पे लेके जाइए और करीब 3 सूत कम रखिए, क्योंकि इस बैग के अंदर यहाँ पे नम आएंगी, पैड के लिए नम होती है ये। तो ये 3 सूत हमने ये कम रखा, ये कम रख दिया और अब इसको यहाँ से राउंड शेप में हम डाउन करेंगे। बैग को हमने इस शेप में लिया था, ये देखिए बैग को हमने इस शेप में लिया था ये ऐसे, और सामने को हमने इस शेप में लेंगे ऐसे। अब देखिए, हमारे पास गोला, जो बाजू का गोला होता है उसकी एक पट्टी आती है, वो पट्टी हमारे पास नहीं है। उसी पट्टी से ये निशान लगता है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन वो हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इसी शेप से ये निशान लगाएंगे। ये जो है 1 इंच ऊपर का निशान है, इसको इस निशान से हम ये मिलाएंगे। ये निशान हमने मिला दिया। अब आप देख लीजिए, इस निशान के हिसाब से ये हमारी गोलाई होनी चाहिए। अब इसमें आपको कोई फर्क नज़र आता है तो ये आप इसको ठीक कर लीजिए। ये थोड़ा सा फर्क है, ये आपकी, ये देखिए ये वाला निशान, अब ये वाला निशान नहीं है, ये नीला निशान, ये लाल नहीं है, ये नीले निशान से ये आपका फ्रंट कट गया। अब मेन बात,
अब ये लूजिंग हमें कितनी रखनी चाहिए, अब मेन बात है लूजिंग की। तो लूजिंग टाइट फिटिंग में आप 7 इंच भी रख सकते हैं, नॉर्मल टाइट में आप 7.5 रख सकते हैं, और मीडियम फिटिंग में आप 8 इंच की लूजिंग रख सकते हैं, मीडियम फिटिंग में आप 7.5 की भी रख सकते हैं। बहुत से लोग मीडियम टाइट को ही मीडियम पसंद करते हैं। लूज फिटिंग में हम पूरी 8.5 या और भी ज़्यादा लूज कोई मांगता हो तो 9 इंच तक की हम लूजिंग दे सकते हैं। तो ये हम एक 8 इंच की लूजिंग पे काटेंगे एक मीडियम टाइट में। तो यहाँ से ये इस निशान से हम ये 4 इंच लेंगे, 8 इंच की लूजिंग देंगे तो उसका हाफ 4 इंच, ऐसे ही ये 4 इंच हम यहाँ पेट पे लेंगे और ऐसे ही 4 इंच हम इस निशान से ये यहाँ हम ये सेंटर में लेंगे, चेस्ट के ऊपर लेंगे, ये 4 इंच का हमारा निशान है। अब देख लीजिए बैक हमारी, बैक कितनी है, यहाँ से ये बैक है हमारी 9 इंच है, ये 9 इंच बैक है और पेट है 7.5 एक सूत और हिप है 7.5, हिप एक सूत ज़्यादा है, हमने ज़्यादा रखा था एक सूत। अब हम ये 9 इंच है, ये पेट है 7.5, 7.5 प्लस एक सूत और ये आपका हिप है 7.5 प्लस एक सूत, ये हमारी बैक के मेजरमेंट है, ये और ये ये। अब इस हिसाब से हमने पहले चेस्ट का देखना है, 9 इंच हमने यहाँ से ये 9 इंच हमने पकड़ लिया और ये जो लूजिंग का निशान है 4 इंच की लूजिंग, यहाँ हमने ये 9 इंच ये रखा और यहाँ से ये देख लिया कितना है, ये है हमारा जो प्लेट का निशान है 15.5। अब ये तो दबाव, ये तो प्लेट कटेगी यहाँ से, ये 15.5 है तो इस 15.5 को हम इस निशान पे लेके जाएंगे, ये आ गया हमारा और छाती है 38 यानी 19 इंच, 19 × 38 ये 19 इंच, ये हमारा निशान हो गया। इसको हम यहाँ सीधा लगा देते हैं, ये सीधा हो गया। अब पेट है 7.5 एक सूत, अब ये 7.5 एक सूत पकड़िए, ये पकड़िए और इस लूजिंग के निशान पे ये 7.5 एक सूत यहाँ पे ये रख लीजिए और पेट है इसका 40 इंच, अब ये 13 इंच है, देखिए 13 इंच एक सूत, 13 एक सूत। अब ये जो 13 एक सूत है ये हम इस निशान पे लेके जाएंगे, ये 13 एक सूत ये इस निशान पर आ गया हमारा। अब इसका पेट है 40 तो ये 20, ये 20 इंच ये हो गया 40। अब सेम जितना हमारा ये है इसको नाप लीजिए, ये 17 एक सूत है, यहाँ से भी हम 17 एक सूत ही रखेंगे क्योंकि ये हम बिल्कुल यहाँ से सीधा रखेंगे। ये हम सीधा रखेंगे। अब मैं ये इसकी सेव कर देता हूँ। ये बिल्कुल सीधा आएगा, आप इसको सीधे स्क्वायर से भी लगा सकते हैं, लेकिन पट्टी से भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हम बिल्कुल सीधा लगाएंगे। और यहाँ से इस शेप से या इस शेप से आप ये निशान लगा सकते हैं, ये आप लगाएंगे, ये लगाएं, ये आपका ये पेट भी निकल गया, कुछ पेट यहाँ से निकल गया, कुछ पेट आपका यहाँ से निकल गया, तो ये ज़्यादा पेट को कवर हमने दोनों साइड से कर लिया। अब यहाँ से 1 इंच, 1 इंच हम क्यों लेते हैं, 1/2 इंच इस सिलाई में दबेगा, 1/2 इंच मुड्ढे की सिलाई में दबेगा इतालकी में, तो ये 1 इंच हमने ले लिया और यहाँ से ये हमने कितना 1/4 इंच, ये देखिए 1/4 इंच की डट निकाली थी, तो इससे 1/4 इंच नीचे हम ये निशान लगाएंगे, ये 1/4 इंच नीचे और इस निशान को यहाँ आप
इसका ये सेंटर कर लीजिए 2 इंच, ये है यहाँ से आप, ये आपकी गोलाई जाएगी, ये गोलाई जाएगी। अब ये गोलाई ज़्यादा दूर तक नहीं जानी चाहिए, जिसका सेंटर कर लीजिए आप वहाँ तक ये गोलाई ऐसे जानी चाहिए। ये आपकी कंप्लीट सामना आपका कट गया है। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, ये पेट वाला कोट कोई भी हो उसमें हमने 1.25 इंच या और भी 4 इंच ज़्यादा हो, 6 इंच ज़्यादा, तो हम 1 इंच की भी डट यहाँ से हम निकाल देंगे। 1 इंच की डट निकालेंगे तो ये पेट पे आराम से बैठ जाएगा, ज़्यादा पेट पे। जितनी डट हम यहाँ से निकालेंगे उतना ही हमने ये ताल, यहाँ से साइड का पीस, ये ताल बोला जाता है, इसको हम यहाँ से नीचे डाउन करेंगे। यहाँ से हमने 1 इंच तक की कम किए और 1.25 इंच आगे हमने ये डट का निशान लिया है, ये पूरा नीचे तक डट डट जाएगी। अब ये इससे 1 इंच ऊपर, ये हमारा मुड्ढे की राउंड शेप के लिए हम निशान लगाते हैं, यहाँ से हमने इस पे तीरे के निशान को मिलाना होता है। ये हमने 1.25 एक सूत हमने ये नपेल लिए, चौड़ाई लिए, और इसको हाफ सेंटर करके हमने ये नुकीला ठोका बनाया है, और ये हमारा हाला है। यहाँ से हमारा ये जो नीचे का निशान है जिस पे हमारा कॉलर चढ़ेगा, ये हमारा दबाव है, ये इधर भी दबाव है, ये इधर भी दबाव है। यहाँ से हमने 2 इंच पेट ज़्यादा है तो पेट के निशान से हमने 1 इंच का टेपर किया है। अगर ये पेट 4 इंच ज़्यादा हो तो हम 2 इंच का टेपर करते, लेकिन ये 2 इंच ज़्यादा है सिर्फ, इसलिए हमने ये 1 इंच का टेपर करके उसी हिसाब से डबल ब्रेस का ये अंदर वाला निशान लगाया, और इस अंदर वाले निशान से ही हमने पूरा कोट काटा है। ये हमारे 3 बटन हो गए। 3 बटन कैसे हुए? यहाँ से आप तीसरा लंबाई का तीसरा हिस्सा करके आप इसके सामने पॉकेट लगाएंगे, और इससे ये 1.25 इंच ऊपर बटन लगाएंगे, और ये 1.25 इंच हमने डबल ब्रेस का लिया है, तो ये 3.5 इंच टोटल यहाँ से बाहर वाले निशान से, अंदर वाले से नहीं, बाहर वाले निशान से पूरा 3.5 इंच पे ये हमारा ये बटन होगा, और 3 बटन हमारे, एक ये और एक ये, एक ये, ये 2 3 बटन ऐसे जाएंगे, 3 बटन ऐसे जाएंगे। ये हमारे 6 बटन का ये डबल ब्रेस का कोट हो गया। अब मैं इसको काट देता हूँ। दोस्तों आज बस इतना ही, बाकी कटिंग का बचा हुआ भाग मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा।